हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। आइए बताता हूँ नया क्या है, क्या सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यहाँ पर अगर आप रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाते होंगे तो कुछ इस तरीके से रैंड बिटवीन लिखते होंगे और यहाँ से सबसे छोटा नंबर, फिर यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कॉमा दे करके फिर एंटर प्रेस करते होंगे। फिर आपको इसको ड्रैग करवाना पड़ता होगा इस तरीके से। तो ये ड्रैग करवाने के बाद फिर अगर आपको नीचे भी नंबर चाहिए रैंडमली तो यहाँ पे भी ड्रैग करवा सकते हैं। तो ये तरीका न यूज करके हम कोई दूसरा तरीका यूज करेंगे रैंडम नंबर जनरेट कराने का, जिससे कि हमें ड्रैग ना कराना पड़े। तो वो क्या तरीका हो सकता है, तो पहले उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिस रेंज में भी आपको रैंड बिटवीन लगाना हो। फिर इज इक्वल टू का निशान लगाइए, फिर यहाँ लिखिए रैंड बिटवीन कुछ इस तरीके से, और लिखने के बाद आपको प्रेस करना है सबसे छोटा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर, और फिर आपको एंटर ना प्रेस करके कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है। ध्यान रखिएगा कि रेंज पहले से सेलेक्ट होनी चाहिए, जैसा कि मैंने कर रखा है। तो बस आपको एंटर प्रेस करना है और काम आपका हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आप ये लेके आ सकते हैं। ये बहुत आसान है। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।